रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। अरे किने मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया, हो रंग रसिया रंग रसिया हो। भारत में जनवरी से दिसंबर तक त्योहारों की धूम होती है। मकर संक्रांति से त्योहारों का जो रैला शुरू होता है वो दिसंबर में किसी छोटे मोटे त्योहार पर जाकर खत्म होता है। हम लोग दिवाली को अपना सबसे बड़ा त्योहार मानते हैं, लेकिन एक और त्योहार है जो अपनी हुड़दंगई के चलते सबका प्रिय है, सबको मजा आता है। आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं होली की ही बात कर रहा हूँ। सोचा कि आज आपको होली की कोई कहानी सुनाई जाए। दोस्तों, मैं अतुल हूं, आज सुना रहा हूं मेरी खुद की ही कहानी, होली की हुड़दंग में जीजा जी बिफरे। तो कहानी का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, काफी पहले जिक्र किया था आपका, कि मैं मूलतः जबलपुर से हूं और जबलपुर ये होली खेलने के लिए कुख्यात है। कुख्यात इसलिए कि जबलपुर का आदमी गुलाल फुलाल में विश्वास नहीं रखता, उसे तो मचक के होली खेलनी होती है, और ऐसी होली बिना रंग के नहीं होती। रंग भी भैया कोई ऐसा वैसा नहीं होता, उसके लिए बहुत मशक्कत की जाती है। जबलपुर में कई साल पहले तोले वाला रंग आता था, अब तो सालों से पता नहीं क्योंकि अपन जबलपुर में है ही नहीं, लेकिन कभी ये रंग सराफा गुरंदी, जबलपुर के कुछ खास इलाके हैं, कि कुछ दुकानों में मिला करता था। दुकान वाले दावा करते थे कि भैया हमारे रंग को एक बार चेहरे पर चुपड़ दे हो तो सामने वाला एक हफ्ते के लिए फुर्सत हो जाएगा। स्कूल कॉलेज के दिनों में अपन ने भी रंग के लिए बहुत मारकाट मचाई, कभी तोला वाला रंग नहीं ले पाए, पर रंग लेते वक्त दुकानदार से हमेशा ये जरूर पूछ लेते थे, गुरु ये कितनी देर चलेगा, और दुकान वाला भी जबलपुरिया अंदाज में जवाब देता था कि भैया बेफिक्र रहो, जेखे लगा दे हो तो छोटा छोटा सामने वाली की जान निकल जाए, मगर रंग छूटन को नाम न ले है। खैर, वक्त ने करवट ली, अपन रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली निकल लिए, लेकिन कई होलियां दिल्ली मनती रही, लेकिन यार वो बात नहीं आ पाती थी। वो बात क्यों नहीं आ पाती थी इसका खुलासा आगे करूंगा। दिल्ली में कुछ करते कराते अपन पत्रकार की नौकरी करने लगे। बात 2008-09 की होगी, एक बार होली पर जबलपुर आने का मौका मिल गया। अपना घर धारताल इलाके में है, अभी भी है। कुछ दोस्त घर आए हुए थे, होली का हुड़दंग बेरोक टोक जारी था, जैसा कि होता है। जो भी आए हुए थे मित्रगण, वो लोग होली का कार्यक्रम संपन्न करके, यानी पूरा रंग रोगन करके निकल लिए। थोड़ी देर में एक मेरे दोस्त प्रदीप का फोन आता है, प्रदीप का घर पास में ही आनंद नगर इलाके में है। बोला कि यार बलराम अधारताल आया है और तुम्हें बुला रहा है। अपन ने तुरंत कहा कि बस यार गुरु अब भी पहुंचता हूं। मम्मी से कहा मैंने कि मम्मी जरा होकर आते हैं, हम लोगों का होली मिलन समारोह होना है। लड़का कहीं निकले तो मम्मियों को सबसे पहले एक ही चिंता हो जाती है, खाने का क्या होगा। मम्मी ने हमसे ही पूछा कि भैया खाने का क्या करोगे। मैंने भी कहा कि आप परेशान मत होना, सब हो जाएगा। इतना कह के अपन अपनी बजाज सुपर अपन ने उठाई, और बजाज सुपर को यार अपन उस समय फरारी से कम नहीं समझते थे, प्रदीप के घर निकल लिए। प्रदीप के घर के जस्ट बगल में किट्टू नाम के एक दोस्त रहते हैं। किट्टू को सभी किट्टू नाम से ही जानते हैं। यह बात अलग है, किट्टू का सही नाम राहुल शुक्ला है, और राहुल शुक्ला नाम से किट्टू को शायद बित्ते भरी लोग जानते होंगे, शायद बहुत ही कम। बलराम किट्टू भाई के यहां ही मिल गए। किट्टू के यहां ही जमावड़ा लगा हुआ था, एक और परम में तो संतोष भी मिल गए। अब गुट बना मैं, प्रदीप, संतोष, बलराम और किट्टू, जमकर होली हुई। जिसके पास जो था सब असलहे से लैस थे, एकदम कस के। किट्टू प्रदीप की पत्नी को भी रंग लग गया, इसके पीछे बलराम का हाथ माना गया। तय हुआ कि अब बलराम की वाइफ को भी रंग लगेगा। इसके बाद ग्वारी घाट में जाकर नहाया जाएगा। मैंने ऊपर आपसे कहा था
कि जबलपुर के बाहर कहीं भी होली अधूरी सी होती है, और इसकी वजह यही होती है कि होली खेलने के बाद अरे आपको घर में नहाना पड़ता है और वही सीमित पानी दो बाल्टी। जबलपुर में होली खेलने के बाद नर्मदा नदी, हम लोग भैया नर्मदा नदी को नर्मदा जी बोलते हैं, और वहां के प्रसिद्ध घाट में गौरी घाट में जाकर कलर उतारा जाता है। होली के दिन आपको हजारों लड़के गौरी घाट में मिल जाएंगे। कई लड़के नहाने के पहले या नहाने के बाद तरोताजा होने के लिए एक पेय पदार्थ पी लेते हैं। अब होली का माहौल रहता है तो इस दिन हर तरह की छूट मिल जाती है। खैर, बलराम की वाइफ को रंगने का मंसूबा पाले हमारी टोली धारताल से निकल पड़ी। करीब 1:30-2 बजे का वक्त रहा होगा। मैंने स्कूटर प्रदीप के घर पे खड़ी कर दी थी और चौपाए यानी कार से हम लोग अपने गंतव्य की तरफ कूच कर पड़े। हम लोग दो गाड़ियों में थे, एक गाड़ी में मैं, बलराम और एक और कोई दोस्त था, दूसरी गाड़ी में किट्टू संतोष थे। बलराम का घर कटंगा इलाके में है। बलराम ने बताया था यार पत्नी तो दीदी के यहाँ है और दीदी भी कटंगा में ही रहती है, तो योजना बनी कि यार दीदी के यहाँ चला जाएगा। लेकिन जो होना बदा था उसे होली की खुमारी में हम लोग देख नहीं पा रहे थे। दीदी के यहाँ हम लोग यानी कि हम बलराम लोग पहले पहुंच गए। करीब 2:30 बज रहा था। इतने बजे तक सामान्य यूं कहें कि सभी लोगों की होली 12:30 बजे तक तो खत्म हो जाती है, पर हम लोग कहां सभ्यों की श्रेणी में थे। दीदी के यहां पहुंचे तो जिया जी मिले। ऑब्वियसली बात है उनकी होली खत्म हो चुकी थी, वे नहा धो चुके थे, बढ़िया कुर्ता पजामा पहने हुए थे। स्वागत सत्कार किया उन्होंने, हम लोगों ने भी प्रणाम किया। जिया जी इंजीनियर हैं और अच्छी सरकारी पोस्ट पर हैं। जिया जी के साथ में बातें कर रहा था, सामने नाश्ता आ चुका था, तभी दूसरी टोली भी पहुंच जाती है घर। जिया जी बाहर निकले और जो नहीं होना था वही हो गया। अचानक से लड़कों का जिया जी के साथ होली खेलने का प्लान बन गया। जिया जी को बाउंड्री वॉल के अंदर बने आंगन में लड़कों ने दबोच जैसा लिया। हम लोगों ने उन्हें इसकी कतई उम्मीद नहीं थी। हम लोग जिया जी को रंग लगाने के नहीं बल्कि लथोड़ने के मूड में आ चुके थे। अरे भैया उन्हें गिरा दिया, जमकर रंग लगाया। जिया जी ने कुछ रिटेलिएट करने की कोशिश की पर वे नाकाम रहे। उन्हें अधिकतम गुलाल लगाने की उम्मीद थी, भाई वो नहा धो चुके थे, पर हम लोग तो बदतमीज होली खेलने पर आमादा थे। जितना रंग बचा था 3-4 बाल्टी में मिला मिलू कर पर उड़ेल दिया। जिया जी सराबोर, वे बुरी तरह नाराज हो चुके थे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि निकल जाओ यहां से। हम लोगों को अब एहसास हुआ कि यार कुछ बहुत ही गलत कर गए हैं। हम लोगों की सो कॉल्ड इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। बलराम की पत्नी को रंग लगाने की योजना फाख्ता हो चुकी थी। सब साला खत्म हो गया। अब तो एक ही काम हो सकता था कि ग्वारी घाट जाकर रंग छुड़ा लिया जाए। अपना समूह लिए हम लोग ग्वारी घाट क्षेत्र के एक अन्य जिलहरी घाट पर रंग उतारने पहुंचे। सब पानी में उतर तो गए पर मस्ती नहीं कर पा रहे थे। लग रहा था किसी ने सभी को कस के जुतियाया हो। जिया जी के हाथों इज्जत उतरवाने का गम हमारे चेहरों पर साफ देखा जा सकता था। हमने बलराम से कहा, अब 21 जन्म का बदला लिए हो। वो भी गरीब क्या बोलता, बस हंसकर रह गया। जिलहरी घाट में नहाने के बाद सबको कस के भूख लगी। सबका केवल एक चीज खाने का मन था, यार गुरु कहीं दाल चावल मिल जाए। करीब करीब 4 बज रहा था। होली के दिन जबलपुर बंद रहता है। आम राय बनी कि भैया सिटी कॉफी हाउस खुला होगा और वहां दाल चावल नसीब हो जाएगा। हम लोग की किस्मत इन सब के बावजूद थोड़ी सी अच्छी हो गई थी, कॉफी हाउस हमें खुला मिल गया। इसके बाद वहां पहुंचकर दाल चावल का भोग लगाया गया। गर्म दाल चावल से भी होली के बिगड़ जाने का गम नहीं मिट पाया। कुछ साल बाद बलराम को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस समय मैं भी जबलपुर में ही था। मैं अपनी बहन के साथ ग्वारी घाट जा रहा था, तभी रास्ते में बलराम से मुलाकात हुई। उसी ने बताया कि यार बेटा हुआ है। मैंने कहा यार लौट कर मिलता हूं। लौट कर हम लोग बच्चे को देखने गए। वहां बलराम की दीदी मिली। उन्होंने सब अद्भुत होली और उसके बाद हुई हम लोगों की हालत की मजेदार कहानी सुनाई। हंस हंस के लोटपोट हो गए।
उस बात को कई साल बीत चुके हैं, बहुत पानी बह गया है, वैसी होली भी नहीं खेल पाए, पर विश्वास है कि जिया जी ने अब तक हम लोगों को माफ कर दिया होगा। बस यही थी आज की कहानी। दोस्तों, हमारे त्योहार हमें ऊर्जा देने के लिए आते हैं। हमारी सारी उदासी, चिंताएं, टेंशन भूलकर हम कुछ पलों के लिए मौज मस्ती में डूब जाते हैं। किसी से हमारी भले ही अनबन हो जाए, त्योहार में अगर वो सामने आ जाए तो शुभकामनाएं देने के साथ वैर भी खत्म हो जाता है। यही हमारी परंपरा है। जिंदगी में हम सभी खुशियां चाहते हैं, लेकिन जीवन इतना आसान नहीं होता, कई तनाव घेरे रहते हैं। पर त्योहार तमाम कमी बेशी में हमें खुश होने, जीवंत होने और दोबारा से खड़े होने का मौका देते हैं। त्योहारों की इसी ताकत को समझिए और अपनों के साथ जमकर जश्न मनाइए। ज्यादा ज्ञान नहीं बघाऊंगा, अगले शनिवार शाम 6 बजे आनी के यूट्यूब चैनल पर एक नई कहानी लेकर आऊंगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। आप सभी को होली की एडवांस में ढेर सारी रंगों से सराबोर शुभकामनाएं। जय हिंद। अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। वॉच आनी टीवी।